अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? हमें मनानी होती है बालूशाही, लेकिन बन जाते हैं डूनर्स, जो कि अंदर से तो रसीले होते हैं लेकिन इसमें नाम की भी लेयर्स नहीं होती, या फिर कुछ इस तरीके की होती हैं जो कि तलते टाइम खुल सी जाती हैं, या फिर कुछ इस तरीके की होती हैं जो बिल्कुल भी रसीली नहीं होती हैं, यानी कि हार्ड होती हैं। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे क्यों होती हैं ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आप भी ऐसी ही बालूशाही बनाना चाहते हैं शुरुआत में ही, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर सकें जिसकी वजह से आपकी बालूशाही हार्ड हो या फिर टूनर्स की तरह हो। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, हम बालूशाही का शीरा तैयार करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सी मिस्टेक्स कर देते हैं, ये नॉर्मल शीरा नहीं है, बालूशाही का शीरा है। इसमें मैं ऐड करूँगी टोटल 2 कप के बराबर चीनी। अगर आपके पास ये वाले मेजरिंग कप्स नहीं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल प्याली से भी मेजर कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप के बराबर पानी, और इसको आपने रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम नहीं रखिएगा वरना आपका शीरा जल सकता है और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है उस टाइप की हमें नहीं मिलेगी जो हमें बालूशाही के लिए चाहिए होती है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए व्यूअर्स, चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो चुकी है। अभी पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हुई है, इस कंडीशन में हम बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड करेंगे, जस्ट लाइक अ फूड कलर, क्योंकि जो बालूशाही होती है इसके अंदर का जो शीरा होता है वो थोड़ा सा कलर वाला होता है, इस वजह से हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून, देख लीजिए इतनी सी आपने इलायची पाउडर ऐड करनी है। अगर आपके पास इलायची पाउडर भी अवेलेबल नहीं है तो आप 3 या 4 इलायची इसमें ऐड कर दीजिएगा इस कंडीशन में, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन। आप सोच रहे होंगे मैं लेमन क्यों ऐड कर रही हूँ, इससे तो खटास हो जाएगी बालूशाही में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीनी होती है जब रूम टेम्परेचर पे आती है शीरा बनाने के बाद, तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होने लगती है, यानी कि थोड़ी जमने लगती है। ये ना जमे इस वजह से हम इसमें लेमन ऐड करते हैं। इसके मैंने 8 से 10 ड्रॉप्स ऐड किए हैं, इससे ज़्यादा आपने भी ऐड नहीं करने हैं। इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि आप बालूशाही को 2 से 3 दिन तक भी रख के खा सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी। बालूशाही का शीरा जमेगा नहीं, जिसकी वजह से आप इसको 2 से 3 दिन तक इजीली खा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की होनी चाहिए, और टोटल इसकी जो टाइमिंग है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ही आपका शीरा तैयार हो चुका है। बालूशाही का शीरा डन हो चुका है। अब हम बालूशाही की डो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, ये हमारे पास है मैदा, हमने इसमें मैदा ही यूज़ करना है, वाइट फाइन आटा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो लेयर्स मैदा एग्जॉस्ट करता है वो फाइन आटा नहीं करता है। ये मेरे पास 2 कप मैदा है। मैदे को आपने आधे घंटे पहले फ्रीज में रख देना है ताकि जब आप बनाने खड़े हों तब आप यूज़ कर लीजिएगा, इससे आपकी बालूशाही और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। ये मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून नमक, जो कि बालूशाही की स्वीटनेस के लेवल को बैलेंस करेगा। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, उसकी आपने 3 पिंच ले लेनी है। ये मेरे पास है पानी, ये नॉर्मल वाटर है, यानी कि टैप का वाटर है, ना गर्म पानी है और ना ही ठंडा पानी है। ये मैंने इसमें 1/4 कप पानी के ऐड किए हैं, और 1/4 कप ही मैंने इसमें घी का ऐड किया है। घी को मैंने मेल्ट करके यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक डो की शेप में ले आऊँगी। ये देखिए, आपने अपने हाथ को हल्का रखना है, क्योंकि बालूशाही की जो डो होती है वो सॉफ्ट होती है, जिस तरह हम नॉर्मली घर का आटा गूंथते हैं इस टाइप की नहीं होती है, इससे 10-20% सॉफ्ट होती है। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं इसके, तो इसके ऊपर टोटल 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए, आपने इसको बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, इस तरीके से आपने एक के ऊपर एक रखते जाना है। ये देखिए,
बालूशाही में जो लेयर्स आती हैं वो इसी की हेल्प से आती है। इस प्रोसेस को आपने कम से कम 5 से 6 बार लाजमी करना है और रफली सा करना है। ये देखिए मेरी डो नीट नहीं की है मैंने, इस टाइप की आपकी डो होगी। अब मैं इसको रख दूँगी डिश में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट लाजमी देना है और इसको आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है। आधे घंटे के बाद ये देखिए व्यूअर्स, हमारी डो सेट हो चुकी है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपनी डो का हम डिश आउट कर लेंगे और काउंटर पर रख देंगे। काउंटर पर रखने के बाद व्यूअर्स, आपने अपने सिंपली हैंड से इस काम को करना है, हाथों में कोई ग्रीजिंग नहीं करनी है। और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने बिल्कुल भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यूज़ नहीं करना है, जैसे कि मैदा और फाइन आटा। और ये देखिए आपने इसकी लेयर्स इस तरीके से बनानी है। इसको पहले कट करना है और इसको हल्के हाथ से एक दूसरे के ऊपर रखते रहना है। एट अ टाइम आपने सिर्फ एक ही कट लगाना है, बहुत सारे कट्स आप नहीं लगा सकते इस रेसिपी में। ये देखिए इस तरीके से करना है। और जब आप इसको प्रेस करें दोबारा फैलाने के लिए, तो आपने हल्के हल्के हाथ से करना है ताकि जो आपने लेयर्स बनाई हैं उसकी ख़त्म नहीं हो। ये देखिए इस तरीके से करना है और हमने तकरीबन इस प्रोसेस को 8 से 10 मरतबा करना है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि आपकी बालूशाही डोनट्स की तरह क्यों बन जाती है। अंदर से तो रसीली होती हैं लेकिन उसमें नाम की भी लेयर्स नहीं होती। वो इसी वजह से नहीं होती कि आप इसको बहुत टाइटली प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी सारी लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि आपकी बालूशाही बालूशाही बने, ना कि डोनट्स। ये देखिए इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम करें। अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत दिखी हो तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारी लेयर्स डन हो चुकी हैं। अभी इसका लास्ट प्रोसेस है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं, बहुत ही हल्के हाथ से मैं प्रेस कर रही हूँ उसको। अब बालूशाही के लेयर्स का प्रोसेस डन हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको फैला लेंगे और इसको 4 पार्टीशंस में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम करेंगे और इन पार्टीशंस को भी 2 या 3 पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बालूशाही जो होती है हम छोटी बनाएंगे। इसमें हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है तो ये राइस होंगी, इस वजह से हम छोटे साइज़ की बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे। ये देखिए अब मैं आपको बालूशाही बनाना सिखाऊंगी, किस तरीके से आपने बालूशाही बनानी है। ये देखिए आपने अपनी हथेली की मदद से बालूशाही बनानी है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बनानी है, जिसकी वजह से इसके लेयर्स ख़त्म हो सकती हैं। बस आपने इसको इस तरह से पैक करना है ये चारों साइड से बंद हो, वरना ये फ्राई करते टाइम खुल सी जाएंगी। ये देखिए चारों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हो चुकी है और सेंटर में इस तरीके से हम होल कर देंगे, जो कि इसको बालूशाही का लुक देगी। ये देखिए चारों साइड से अच्छे तरीके से पैक है और इसकी लेयर्स भी नहीं ख़त्म हुई है। इस तरीके से मैं सारी बना लूँगी। नाउ इट्स टाइम टू फ्राई। अब हम इसको फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स, ये मेरे पास घी है, ऑयल नहीं है। इसकी आपने फ्लेम पर ध्यान देना है। ये देखिए ये मेरे पास घी है। हम बालूशाही को डीप फ्राई करते हैं, इस वजह से मैंने घी ज़्यादा लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है व्यूवर्स, आपने अपने घी को लो फ्लेम पे ही गरम करना है, मीडियम फ्लेम पे नहीं करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लेम लो होनी चाहिए और बालूशाही को भी आपने लो फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखिए ये मैं सारी बालूशाही इसमें ऐड कर दूँगी, ये अभी नीचे बैठी हुई हैं। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर या फिर हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ये ऊपर से तो आपको कलर दे देंगी लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्ची होंगी, जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए आपको पेशेंस के साथ लो फ्लेम पे इसको पकाना होगा। ये देखिए सारे मैंने इसमें बालूशाही ऐड कर दी हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए
ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती जाएंगी जैसे जैसे पकती जाएंगी, ये देखिए, और ये आप पूरी ही ऊपर आ गई हैं। अब व्यूवर्स, ये ऊपर से तो पक चुकी हैं, अब ये अंदर से पकेंगी। अब हम इसको टर्न कर लेंगे दूसरी साइड पर, और आप ये नहीं समझिएगा ये ऊपर आ गई हैं तो वो अंदर से पक चुकी हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके कलर लाने के लिए भी मीडियम फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, इसका कलर भी लो फ्लेम पे ही आएगा। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हम दूसरी साइड पर टर्न कर लेंगे। मैंने आपको टिप नंबर 1 बता दी कि आपकी बालूशाही डोनट्स किस वजह से बन जाती हैं, रसीली नहीं होती। टिप नंबर 2 भी बता दी कि आपकी बालूशाही खुल की जाती हैं क्योंकि आप इसको अच्छे तरीके से राउंड शेप नहीं देते हैं। और टिप नंबर 3 भी बता दी है कि आपकी बालूशाही हार्ड क्यों होती है। वो हार्ड इस वजह से भी होती है, पहली मिस्टेक तो आप लोग ये करते हैं जब आप इसके लेयर्स का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से नहीं हार्ड हाथ से इसको प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से इसकी लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, जब आप इसको फ्राई करते हैं तो आप इसको ओवर फ्राई कर लेते हैं। ओवर फ्राई का मतलब ये है जब इसका कलर आ जाता है ब्राउन, आप इसको थोड़ा सा और ब्राउन कलर में लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बालूशाही हार्ड हो जाती है और बिल्कुल भी शीरा नहीं पीती। अभी हमारी बालूशाही का 50% कलर आ चुका है, अभी 50% और कलर रहता है। इस पॉइंट पे भी आके मैंने फ्लेम को मीडियम नहीं किया है, तो आप लोगों ने भी नहीं करना है। ये देखिए, इसका कलर कुछ इस तरीके का होगा, इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा वरना आपकी बालूशाही हार्ड हो सकती है। अब हम इस पॉइंट पे आके इसको उतार लेंगे। ये ऊपर से, अंदर से, नीचे से, सब जगह से अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेंगे टैप टैप करके, ये देखिए, ताकि इसका जो एक्सेस की है वो निकल जाए। अब व्यूवर्स, इसको हम शीरे में डाल देंगे। शीरे के लिए इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपका शीरा गर्म होना चाहिए। जी हाँ, ये गर्म होना चाहिए। अगर गर्म होगा तभी बालूशाही इसको अपने अंदर एग्जॉस्ट कर सकेगी। आपका शीरा इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर इसमें डिप हो सके, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। कि सबसे पहले हमने बालूशाही का शीरा तैयार किया था तो इस वजह से ये रूम टेम्परेचर में आ चुका है। हम इसको दोबारा से गर्म करके फिर यूज़ करेंगे। इसमें मैंने बालूशाही ऐड कर दी है, अब मैं इसमें दूसरी बालूशाही ऐड कर दूँगी। ये देखिए, तरीके से मैं सारी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, और व्यूवर्स, आपने बालूशाही को 15 मिनट्स के लिए एक साइड से डिप करना है, फिर 15 मिनट के बाद इसको टर्न कर देना है दूसरी साइड पर। आधे घंटे के बाद बालूशाही ने अच्छे तरीके से अपने अंदर शीरा एग्जॉस्ट कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट हमने इस तरीके से करना है, पहले स्ट्रेनर में इसको रखना है ताकि जो भी इसका एक्सेस शीरा लगा हुआ है वो इसमें आ जाए। इस तरीके से मैं सारी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको टैप टैप कर लूँगी। ये देखिए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फाइनली व्यूवर्स, इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमारी बालूशाही तैयार हो चुकी है, ये देखिए, जो कि देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोग ये देख सकते हैं कि बालूशाही कितनी ज़्यादा रसीली बनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।